हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा। और एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो 21वां क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से बर्तन बनाते थे किस मटेरियल से। तो हमारे ऑप्शन है मिट्टी, तांबा और कांस्य। और डी हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा डी कि पीतल से। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए, मिट्टी के बर्तन बनाते थे यहाँ पर। बहुत सारे लोग क्या होता है कि कांस से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कांस का इस्तेमाल किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन ए सोना, बी सिल्वर, डी कॉपर और डी आयरन। तो ये एज यूजल बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि लोहे यानी कि आयरन का जो ज्ञान जो है सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था, एकदम नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों ने निम्नलिखित में से किस वस्तु की पूजा नहीं की थी? देवी माँ की, पशुपति शिव की, पेड़ पीपल और बबूल की, त्रिमूर्ति की। देखिए, देवी माँ की यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं, पशुपति का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मिला है जहाँ पर जो है एक तीन से चार जानवर दिखाए गए हैं और उस पे जो है एक चित्र या मूर्ति जैसा मिला हुआ है जिसे जो है शिव का ही परिष्कृत रूप कहा जाता है उस टाइम के हिसाब से। पेड़ जैसे पीपल और बबूल की जो है ये भी जो है पूजा होती थी, लेकिन यहाँ पर त्रिमूर्ति यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है, त्रिमूर्ति का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है पूजा करने के। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक कथित गोदी पाई गई है? गोदी का मतलब समझते हैं आप, गोदी का मतलब होता है डॉक, जहां पर शिप जो है शिप को बांध कर रखा जाता है ताकि थोड़ा सा जो है आराम कर लें नाविक वगैरह और खाने पीने की व्यवस्था कर लें। आप पोर्ट से भी इसका मतलब समझ सकते हैं। अब हमारा ऑप्शन क्या है? कालीबंगन, लोथल, सुतगेंगोर, सुतकाकोली। ठीक है, तो हमारा कालीबंगन तो पहले ही एकदम जो है कट जाएगा। वजह यह है कि यह राजस्थान के अंदर है, वहां पर कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो नदी का कोई किनारा ही नहीं है या समुद्र का कोई किनारा ही नहीं है। सुतकागेंडोर ये भी नहीं है, सुतकाडोर ये भी नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा लोथल है। ठीक है, क्योंकि लोथल जो है गुजरात में ये किनारे पर बसा हुआ था और यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी जहाज को खड़ा करने के लिए, तो गोदी की व्यवस्था भी यहीं पर की गई थी। 25वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर, व्यापार और वाणिज्य पर, शिल्प पर, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक तरीके की अर्बन सभ्यता थी यानी कि नगरीय व्यवस्था के तहत माना जाता है उसको। तो यहाँ पर खेती का भी स्तर अच्छा था, ज्यादातर जो है अनाज व अन्य उपजाए जाते थे, तो ये सही है। व्यापार और वाणिज्य आप ये समझ लीजिए कि जितना भी गल्फ कंट्रीज हैं, चाइना है और बाकी जो उस टाइम की समकालीन सभ्यताएं थी उनके साथ इनका व्यापार होता था, तो व्यापार और वाणिज्य भी सही है। और शिल्प बहुत ही हाई क्लास का यहाँ पर शिल्प की व्यवस्था थी, बर्तन मूर्तियां और इत्यादि वस्तुएं जो थी साज सामान का बहुत ही हाई क्वालिटी का बनाया जाता था, तो इसलिए तीनों बात सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा डी है, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था इन तीनों गतिविधियों पर आधारित थी। 26वां क्वेश्चन है कि परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता में गिरावट आई। अब हड़प्पा सभ्यता की समाप्त या गिरावट या डिक्लाइन होने की क्या वजह रही है, तो अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। और ये ऑप्शन है कि आर्यन आक्रमण, ये भी सही है। कई साक्ष्य मिले हैं, कई व्यक्तियों के ऊपर जो है तीखे भालों से इत्यादि और चाकुओं से जो है आक्रमण के अटैक मिलते हैं और एक साथ कई ढेर सारी बॉडीज भी मिली हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार में गिरावट, ये भी सही है। क्या हुआ कि विदेश का पहले क्या व्यापार सेंटर इधर था, फिर बाद में वो चेंज हो गया, तो विदेशी व्यापार में गिरावट भी आ गई। पारिस्थितिकी कारण एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस भी माना जाता है, कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे फेमाइन आ गया, बाढ़ आ गया, ड्रॉट आ गया और क्लाइमेट चेंज जैसी गतिविधियां भी हुई।
निश्चित रूप से ज्ञात कारक नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो आंसर यही है कि कई सारे फैक्टर्स बताए गए हैं, लेकिन एक जो फैक्चुअल फैक्टर है यानी कि जो एकदम यूनिवर्सल हो, उस तरीके का कोई फैक्ट नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से समाप्त हुई, गिरावट आई। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, डी है, निश्चित रूप से ज्ञात कारक नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का क्वेश्चन, ये कि हड़प्पा जो स्थलों पर पाए जाने वाला सबसे आम जानवर का आंकड़ा है, मतलब जिसकी संख्या सबसे ज्यादा प्राप्त हुई, वो कौन सा है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमारा देखिए ऑप्शन में क्या आएगा, अनियंत्रित बैल, गाय, बैल, बाघ। तो यहां पर ऑप्शन में आप ये याद रखिए कि गाय तो कभी पाया ही नहीं गया, ठीक है, और बैल के कई मूर्तियां मिली हुई हैं और बाघ के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर जो है राइट ऑप्शन ये है कि जो यूनिहॉर्न जो बैल होता है, ये अनियंत्रित बैल जिसे बोलते हैं, यूनिकॉर्न या यूनिहॉर्न बोलते हैं, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए गए हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है कि आर्यन, इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन शब्द का कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, ये किस तरीके के, मतलब कि जो ये आर्यंस होते हैं या इंडो आर्यंस या इंडो यूरोपियन है, यह शब्द यानी किस कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं, भाषाई यानी कि जो भाषाई आधार पर यह शब्द की उत्पत्ति हुई है, या नस्ली प्रवृत्ति को यह दर्शाता है, या धार्मिक प्रवृत्ति को यह दर्शाता है, या सांस्कृति यानी कि कल्चरल जो है एस्पेक्ट को दर्शाता है। तो हमारा जो 28वां क्वेश्चन है काफी कॉन्सेप्चुअल लिहाज से काफी बढ़िया है। तो इसमें जो है ये आप समझ लीजिए कि 28 का जो ऑप्शन है वो है ए है, यानी कि भाषाई आधार पर। आर्यन क्या है, इंडो आर्यन एक तरीके की लैंग्वेज है, ठीक है, इसी आधार पर ये भाषाई कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, आर्यन इंडो यूरोपियन शब्द। ठीक है, अब 29वां है हमारा, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार आल मूल रूप से कहां से आए थे, यानी कि जो आर्य थे उनका सोर्स ऑफ इनकमिंग कहां से है, मतलब कि वो कहां से आए हैं। ऑप्शन ए है भारत, मध्य एशिया, मध्य यूरोप और रूस के स्टेपीज वाले इलाके से। तो इसका राइट ऑप्शन है इसका बी, मध्य एशिया से आर्य जो है, जो मूल वाले आर्य थे वो वहीं से आए हुए थे। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वेद पहले संकलित किया गया था। तो ऋग्वेद है ऑप्शन में, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्वेद है। तो राइट ऑप्शन तो एकदम एज यूजल सबको पता होगा, ये है ऋग्वेद। 31वां क्वेश्चन है कि वैदिक अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पे, शिल्प और उद्योग पर, कृषि और पशुपालन पे, उपयोग सभी पर। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब हड़प्पा सभ्य खत्म होती है तो वैदिक अर्थव्यवस्था शुरू होती है, लेकिन वैदिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो यहां पर जो सबसे हाईली मतलब जो गतिविधि थी जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है इन्वॉल्व थे वो थी कृषि और पशुपालन की गतिविधि। 32वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था लोकतंत्र का, यानी कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता था, गणतंत्र का यानी जनता के द्वारा चुने गए, कुलीन तंत्र यानी कि जो उच्च वर्गीय जो लोग थे, नस्लीय लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसा वगैरह था, अरिस्टोक्रेसी भी जिसे बोला जाता है उसका था, राजतंत्र यानी कि मोनार्क का था। तो वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप क्या था, हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा मोनार्क। यहाँ पे राजशाही व्यवस्था थी, राजा के माध्यम से जो है टैक्स वगैरह लिए जाते थे, और लेकिन राजतंत्र का जो सिस्टम था पहले जो यहाँ पे व्यवस्था थी वो ये थी कि पहले उपहार लिए जाते थे बाद में कर की व्यवस्था आई। 33वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं क्या थी। ऑप्शन हमारे हैं सभा और महासभा, बी महासभा और गढ़ सभा, सी सभा और समिति, और डी ऑप्शन है हमारा उर और कुला। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमारा है सी, सभा और समिति। दो यहाँ पर लोकप्रिय सभाएं थीं जिनके माध्यम से जो है राजा अपने कार्यों का बंटवारा करता था, फिर उनका असेसमेंट करता था, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था। अब हमारा 34वां क्वेश्चन है कि इंडो ग्रीक साम्राज्य उत्तरी अफगानिस्तान में दूसरी शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किया गया था, शताब्दी ईसा पूर्व था।
तो उस वक्त इसे किस नाम से जाना जाता था? यहां पर हमें यह बताना है, सीथिया, जेड्रोसिया, बैक्ट्रिया और आरिया। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सीथिया। ठीक है, इंडो ग्रीक जो साम्राज्य था उसको सीथिया के नाम से जाना जाता था। 35वां क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य कालीन कला के बीट नमूनों को उनके द्वारा दर्शाया गया है कहाँ पर? स्तूप में, स्तंभ में, चैत्य में, गुफाएं में। स्तूप समझते हैं आप, स्तूप वो जगह होती है जहां पर किसी मॉन्क या जो साधु संत होते हैं उनके अस्थियों को दफन किया जाता है, जैसे कि सांची का स्तूप। स्तंभ का मतलब होता है खंभा या पिलर। चैत्य का मतलब वो होता है जहां पर पूजा वगैरह की जाती है, एक तरीके का इसे आप जो है मंदिर का प्रोसेसर भी कह सकते हैं, यानी मंदिरों के आने से पहले जो पूजा करने का जो स्थान होता था उसे चैत्य कहा जाता था। ठीक है, और गुफाओं तो आप सभी जानते हैं, केव केव को गुफाएं कहा जाता है, जो पत्थर के बने होते हैं, अंदर से काट के उसमें रहने का निवास स्थल बनाया जाता है। तो 35 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है पिलर्स। आप जो है जब मौर्य कालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने बारे में जितनी भी ज्यादातर डिटेल्स जो दी हैं वो जो है ज्यादातर क्या है कि स्तंभों के माध्यम से मिली हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। 36वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण सूत्र सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है मौर्य काल का? तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ये सोर्सेज हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं मौर्य काल को। ठीक है, तो हमें सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन हमारा क्या है? साहित्यिक कार, बी विदेशी खाते, न्यूमिजमोजिटिक सबूत जो है, और एफिग्राफिक। न्यूमिजमेस्टिक ये एक तरीके के सिक्कों के बारे में है, थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। डी है एपिग्राफिक स्रोत। तो हमारा 36 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ये है कि सिक्कों के बारे में जो है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि न्यूमिजमेस्टिक सबूत यानी कि सिक्कों के सबूत के बारे में। 37वां क्वेश्चन है कि स्ट्रैबो के अनुसार तमिल राज पहले अगस्तीन से मिलने के लिए दूत भेजते थे 20वीं ईसा पूर्व में एथेंस में। ठीक है, अगस्तीन से जो है स्ट्रैबो के अनुसार जो है तमिल राज्य के जो शासक थे वो भेजने के लिए मिलते थे अपने दूत को। ठीक है, तो वो कौन से शासक थे जिनसे इनके डायरेक्ट रिलेशनशिप थे हमको ऑप्शन में ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे क्या है? पल्लव, बी चोल, पांड्या और चेरा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा पांड्या। ठीक है, पांड्या के जो है एथेंस के जो शासक थे अगस्तीन, उनसे इनके सीधे संबंध थे और दूतों का आदान प्रदान होता था। 38वां क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? महापद्म नंद, अशोकानंद, घनानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा नंद वंश के शासक का? वो है महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक है, यही वो नंद वंश है जिसका जो है नरसंहार किया था अशोक ने, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। फाइनली हमारे जो लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एंशियंट हिस्ट्री वीडियो की सीरीज में, अगर आप जो है पहले अगर मैंने आपने जो है मेरा वीडियो देखा हो तो इससे पहले भी मैंने 20 क्वेश्चन का एक वीडियो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कराया है, आप जो है उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हमारा 39वां जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है देवत्व, पवित्रता, सिद्धांत, ज्ञान। तो हमारा 39वां का राइट ऑप्शन क्या है? एज यूजुअल जो है आप समझ लीजिए डी, ज्ञान। विद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का जो वेद की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? डी है 39वें का। 40वां क्वेश्चन जो हमारा है, कुषाण शासन द्वारा अंत में लाया गया था, किसके द्वारा या कौन लोग थे जिनके बाद ये आया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नागा, बी ब्रिटिशर्स, सी समुद्रगुप्त, डी हिंदू शाही राजवंश। तो 40वें का राइट ऑप्शन क्या है? हिंदू शाही राजवंश व्यवस्था की जो शुरुआत है या जिनके माध्यम से लाया गया वो कौन थे? वो कुषाण थे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।